खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। समाजवादी नेता स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव की 82वीं जयंती धूमधाम से कटियारी डिग्री कॉलेज हरपालपुर में विशाल केक काटकर संघर्ष दिवस के रूप में मनाई गई और आज से विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नाम लक्ष्य 1.5 लाख रखा गया है। आज से सपा नेता व पूर्व जिला पम्मू यादव ने ये भी घोषणा की कि जब तक 22 में साइकिल एवं लक्ष्य 1.5 लाख पूरा नहीं हो जाता तब तक घर नहीं जाएंगे, क्षेत्र में लगातार रहेंगे और किसी न किसी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा सरकार को उखाड़ने को सवाईजपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और आज से अभियान में लगेंगे। कटियारी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जब तक देश व प्रदेश से अत्याचारी भाजपा सरकार हटा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, तभी स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। समाजवादी नेता स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव जी का 82वां जन्मदिन और आज उनके इस जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में विधानसभा के समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मनाया और एक लक्ष्य रखा है 2022 की चुनाव को लेके कि 22 में 22 किल लेकिन सवाईजपुर विधानसभा की जीत का मूल मंत्र होगा हमारा लक्ष्य 1.5 लाख। सवाईजपुर विधानसभा में 3,94,000 मतदाता है और आज कार्यकर्ताओं ने अपने नेता स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी को यहाँ 1.5 लाख से ऊपर 2022 में समाजवादी पार्टी को मिले इसके लिए संकल्प भरा है, भुखार भरी है और मैंने आज अपने पिता के जन्मदिन पर ये संकल्प लिया है कि जब तक हम 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना लेते, सवाईजपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लहर जाता तब तक हम यही क्षेत्र में विश्राम करेंगे और घर अपने हमने आज से त्याग दिया और लगातार 2022 तक क्षेत्र की जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे और समाजवादी सरकार बनाने का हमने आज संकल्प लिया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।